बड़ा भारी बैग है। क्या करूं, साला इतना बड़ा बैग छोड़ गए और गाड़ी रोक भी नहीं रहे। चलो पीछा करता हूं उनका। अब रुक जाओ भाई। बाबूजी का फोन है। हाँ बाबूजी। अरे कहाँ पे रह गया कुणाल? बस बाबूजी रास्ते में आ रहे हैं। रास्ते में आ रहे हैं? हाँ बाबूजी। मैं कितनी देर हो गई मुझे, मैं अपने फार्म हाउस पर हूँ, तुम अभी लोग आए नहीं? बस बाबूजी आ रहे हैं दो मिनट में। अच्छा अच्छा, मेरा सामान तो सुरक्षित है ना? हाँ हाँ बाबूजी। उसमें देखा क्या सामान है? नहीं बाबूजी। उसमें मेरे 15 करोड़ रुपए हैं। है? हेलो कुणाल, ओ कुणाल। 15 करोड़। हेलो है, काट दियो कॉल, आने दो सालों को, जब बताता हूँ ढंग से। अबे अबे इसमें तो बैग ही नहीं है। अबे साले छोटू की निकला हुआ है। अबे बैग कहाँ गया? अबे मर गए यार। अबे जल्दी उतर, देख देख बैग कहाँ है। अबे अबे रुक जा, पैदल कहाँ से जाएगा, गाड़ी से चलना जल्दी आ। यार अब कैसे होगी यार, मालिक को हम क्या मुंह दिखाएंगे यार। यार मैंने भला दारू पी यार, और ना दारू पीता और ना ये दिन देखना पड़ता यार। यार मालिक सब जान से मार डालेगा यार। जो होगा अब देखा जाएगा भाई, चलो अब अंदर ही चलते हैं। Thank you.
जल्दी आओ, पैरों पर मेहंदी लगा रखी है क्या? तू जा यार, मेरी हिम्मत काम नहीं कर रही। यार तू साथ है तो मेरी हिम्मत बनी रहेगी यार, चल यार। आगे तुम लोग, सामान कहाँ है मेरा? बाबूजी, वो बाबूजी बैग मुझसे कहीं गिर गया बाबूजी। क्या? बैग गिर गया? तुझे पता नहीं कितनी रकम थी उसमें? अरे भजक तो नहीं कर रहा तू, जा मेरा बैग लेके आ। बाबूजी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ बाबूजी, मेरे से बैग कहीं गिर गया बाबूजी। क्या? मुझे मेरा बैग चाहिए, मुझे मेरा पैसा आज ही चाहिए, आज ही। छोटी मोटी रकम नहीं थी वो, 15 करोड़ रुपए थे, 15 करोड़। बाबूजी आगे से गलती नहीं होगी बाबूजी। क्या गलती हो गई? जाओ दोनों को, दोनों दफा हो जाए यहाँ से, मेरे पैसे लेके लौटना। अबे यार अब तो बैग ढूंढना ही पड़ेगा, 15 करोड़ छोटी मोटी रकम नहीं होती है, अब तो मालिक मार ही डालेगा। यार तू चिंता मत कर, जिस रास्ते से आए थे ना उसी रास्ते से चलेंगे और अपना बैग जरूर मिलेगा, चल। अरे यार आज तो बच गई, अगर बैग भी मिला ना तो मालिक जान से मार डालेगा। कुछ भी हो यार बैग तो ढूंढना ही पड़ेगा, अगर मुझे पता होता इसमें इतनी सारी रकम है तो मैं ये काम नहीं करता कभी भी। तो कोई बात नहीं यार, तू इधर देखियो और मैं इधर देखूंगा, तो आज की निगाहों से देख रहा है। हाँ ये जगह इस बैग के लिए ठीक रहेगी, मैं इस बैग को यहीं कहीं पर रख कर चला जाता हूँ। चलो रखता हूँ इस बैग के लिए। इसे मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसी और की अमानत है, इस पे मेरा कोई अधिकार नहीं। नहीं 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 नहीं, 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 नहीं। ये जिसका भी है मैं उस तक पहुंचा के ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं ज़रूर करूँगा, मैं इस बैग को ज़रूर पहुंचाऊंगा उस तक, वो पता ना कितना परेशान होगा। चलो चलता हूँ मैं।
अरे यार, अगर वो बैग किसी को मिल गया तो? अरे यार ऐसे मत बोल, अगर वो किसी और को बैग मिल गया तो मैं तो कहीं का भी नहीं रहूंगा यार, और जिसको बैग मिल गया वो तो माला माल हो जाएगा यार, इसीलिए मैं कहता हूँ जल्दी चले यार।
अबे गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या हुआ, क्या हुआ? ये वही जगह है जहाँ पे मैंने टॉयलेट किया था। बस तुझे नहीं पता, ये वो जगह नहीं है। अभी तेरे बैग यहाँ होता तो मिल नहीं जाता। और भी जगह देखना है। चला पैसे नहीं मिले घोड़ों वाले में तुम। मुझे मेरे पैसे चाहिए, खड़ा हो। पैसे चाहिए मुझे, मुझे मेरे पैसे चाहिए। बाबूजी मुझे माफ कर दो बाबूजी, मैंने हर जगह पैसों को ढूंढा बाबूजी, मुझे पैसे नहीं मिले बाबूजी। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबूजी, जरूर तुम्हारे पैसे लेके आऊंगा बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। माफ कर दूं? मेरी पूरी जिंदगी भर की कमाई है ये, कहीं से भी लाओ मेरे पैसे ला। बाबूजी मैंने सब जगह ढूंढा बाबूजी, आप उससे पूछ लो बाबूजी। मैंने पता नहीं किस मूर्ख के हाथ में पैसा दे दिया, मैं तो कहीं का भी नहीं रहा। तू कहाँ गया था? तू भी तो उसके साथ था, कहाँ है मेरे पैसे बता। चल तू भी चल, तुम मेरे पैसे ऐसे ले दोगे ना, तुम दोनों को पुलिस के हवाले करता हूँ। बाबूजी हमें माफ कर दो बाबूजी, मेरे छोटे बच्चे हैं बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। क्या मेरे पैसे नहीं है बाबूजी? मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं बाबूजी, मुझे माफ कर दो बाबूजी। पुलिस करेगी तुमको तो माफ। बाबूजी और हमारा बैग। चल बाबूजी के पास। तुझे ये बैग कहाँ मिला? चोर कहीं गए? चल बाबूजी के पास। नहीं बाबूजी, नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मैं छोड़ दे इसको, आने दे इसे मेरे पास। नहीं बाबूजी, चोर है ये, इसने हमारा पैसा चुराया है। छोड़ दो उसे, आने दो मेरे पास। लो बाबूजी, तुम्हें ये बैग कहाँ पर मिला? बाबूजी मैं बहुत दिन से काम की तलाश में था और मुझे कोई काम नहीं मिला। अचानक मुझे एक काम मिल गया, मेरे किसी जानने वाले ने मुझे ई रिक्शा दे दिया चलाने के लिए। बस वो रिक्शा लेके निकला ही था कि तुम्हारे दोनों, ये दोनों के दोनों गाड़ी चला रहे थे और गेट खुला हुआ था, इन्होंने शराब पी रखी थी। मैंने इनको बहुत रोका बाबूजी, बहुत रोका, लेकिन इन्होंने मेरी एक ना सुनी और उसी शराब के नशे में ये बैग अपना वहाँ पर गिरा कर चले गए। मैंने फिर भी आवाज़ दी लेकिन बाबूजी इन्होंने मेरी एक ना सुनी। बाबूजी ये बैग मैंने उठा के आपकी अमानत अपने पास रखी बाबूजी, अपने पास रखी बाबूजी। आपने बहुत अच्छा काम किया, ये मेरी जिंदगी भर की कमाई थी, लेकिन आपको पता कैसे चला ये मेरा ही बैग है? बाबूजी जब मैं गाड़ी का पीछा कर रहा था ना,
तब मैंने आपकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया था बाबूजी। उस नंबर के जरिए से मैंने आपका पता लिखा दिया बाबूजी, और ये बैग आपका आप तक लेके आया बाबूजी। ये बैग मेरे सर पे बहुत बड़ा बोझ था बाबूजी, ये मेरा बोझ खत्म हुआ बाबूजी। अब मुझे याद दीजिए, मैं चलता हूँ बाबूजी। रुको, एक मिनट रुको बाबूजी, बैग खोल के देख लीजिए, पूरे पैसे नहीं बाबूजी, मैंने एक रुपया नहीं लिया। अरे पागल, पैसे की बात नहीं है, अगर तू बेईमान होता तो क्या बैग लेके आता मेरे पास? मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसमें मेरी सारी जिंदगी भर की कमाई थी, इन लोगों ने तो मुझे साल में मार ही दिया था। चले जाओ मैनेजरों के सामने से। चलो तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। चलो बाबूजी। क्या रुको, मैंने सुना तुम बेरोजगार हो, नौकरी की तलाश में घूम रहे हो। कल से आ रहा मेरे यहाँ पर, मैं 25,000 रुपए महीने सैलरी दूंगा। बाबूजी तुम मेरे लिए तो बहुत कुछ हो बाबूजी। बाबूजी ये खुशी कितनी बड़ी खुशी है मैं बता नहीं सकता। बाबूजी मैं कल से जरूर आया बाबूजी, मैं कल से जरूर आया बाबू।